नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासत में जोर लगा के हाइशा की आज बात होगी। आज अगले एक घंटे तक हम आपको बताएंगे कहां सरकार बनाने के लिए सियासी जोर लगाया जा रहा है, कहां टूट फूट बचाने के लिए जोर आजमाइश का खेल जारी है और कहां तोड़फोड़ की संभावनाओं की चर्चाएं गर्म है। पूरे दिन आज ममता बनर्जी की बात होती रही, राहुल गांधी के एक्शन को लेकर सियासी भविष्यवाणी हुई। तो 2022 से पहले दिल्ली में बीजेपी के मंथन से बड़ी खबर निकल सकती है। आज हम आपको ऐसी ही सियासी तस्वीर के पीछे का सच बताएंगे। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি, ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, অপর এপ্রি বুথে খেলা হবে। গৃহ কার্য সম্বন্ধে স্থায়ী সমিতিকে 232 প্রতিবেদন মে অন্তর্ভুক্ত সুপারিশ। ক্যা বঙ্গাল মডেল কে সহারে লড়েগা বিপক্ষ? गहन जांच होनी चाहिए। प्रशांत किशोर का बीजेपी रोको सीट फॉर्मूला। हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। विपक्ष कितना तैयार सियासी जंग आर पार? नो प्ले कार्ड्स। ये सेक्रेटेरिएट शुड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नो प्ले कार्ड्स। सड़क से संसद तक खेला होबे शुरू हो गया। केस क्रमांक 11 पर अपने नाम के सामने उल्लेखित विषय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों 2021-22 के। ममता बनर्जी की रणनीति कितनी दमदार? बीजेपी को हारने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। पंजाब से राजस्थान तक सियासी हलचल तेज। क्या 2022 का चुनाव 2024 का ट्रेलर होगा? पक्ष और विपक्ष क्यों बोला जोर लगा के हईशा? सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। जनता जनार्दन आपके इस विपक्ष के एक होने के नाटक को सब समझती है, अच्छे तरह से। आई डू नॉट नो व्हाट विल हैपन इन 24, बट फ्रॉम नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्किंग और प्लानिंग फ्रॉम नाउ। 2024 अभी दूर है, लेकिन दिल्ली में ममता बनर्जी की मौजूदगी से विपक्ष पास पास नजर आ रहा है। दिल्ली में ममता बनर्जी बड़े बड़े नेताओं से मिल रही हैं, वहीं राहुल गांधी के साथ कथित जासूसी कांड पर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा दिखा। ममता की मुलाकात और विपक्ष की जुबान पर राहुल की बात के सियासी मायने क्या है, सबसे पहले ये बताते हैं। बीजेपी को हारने के लिए सबको एक होना जरूरी है। রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, অপর এপ্রি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। आज इन तीन तस्वीरों के विश्लेषण करने का दिन है। दिल्ली में ममता बनर्जी की सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात हुई। संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और राहुल गांधी की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का ऐलान जंग। इन तीन तस्वीरों में एक बात कॉमन है, एक बात आपके लिए समझना जरूरी है, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष फुल एक्शन मोड में है, एकजुट नजर आ रहा है और 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। पूरी तस्वीर को समझाने के लिए आपको सियासी घटनाक्रम की कुछ झांकी दिखाते हैं। झांकी नंबर 1, संसद में खेला होवे के नारे। आपकी अनुमति से मैं आज की सिफारिश संशोधित कार्य संचालन सूची के क्रमांक 11 पर अपने नाम के सामने उल्लेखित विषय। झांकी नंबर 2, संसद में पर्चा फाड़ प्रदर्शन। विपक्ष क्या चाहती है, केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना,
मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना, क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? झांकी नंबर 3, बंगाल मॉडल के साथ ममता तैयार। सोनिया जी इनवाइटेड में फॉर ए कप ऑफ टी, राहुल जी इज आल्सो देयर, सो वी मेट, वी डिस्कस द पॉलिटिकल सिचुएशन इन जनरल एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट पेगासस टू कोविड सिचुएशन एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द यूनिटी ऑफ द अपोजिशन, सो ऑल वी डिस्कस, इट वॉज अ वेरी गुड मीटिंग, पॉजिटिव मीटिंग, आई थिंक द पॉजिटिव रिजल्ट मस्ट कम आउट इन द नेक्स्ट फ्यूचर। झांकी नंबर 4, सरकार और विपक्ष में आर पार। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है, इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ क्यों किया? एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, ताकि पार्लियामेंट स्टॉल हो जाए, यही इनका हथियार है। आज भी इस मंच से मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी आपके फोन में हथियार है तो तुरंत फोन को जाके पार्लियामेंट के थाना में आप सरेंडर करिए, हथियार निकलवाइए, हथियार रख के फोन में मत चलिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपने सियासी हलचल का ट्रेलर देखा, अब हम आपको इन तस्वीरों के पीछे के सियासी एंगल के बारे में बताते हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी के 5 दिवसीय दौरे और राहुल गांधी के एक्शन और एग्रेशन का मतलब समझिए। ममता बनर्जी 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर या कहें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के मिशन पर है, यानी ममता फ्यूचर प्लानिंग का होमवर्क कर रही हैं। वहीं राहुल गांधी ताजा राजनीतिक हालात को लेकर मोदी सरकार को संसद में घेरने के लिए विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। एक लाइन में समझें तो ममता लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रोल में है और राहुल गांधी अभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के हिसाब से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कभी खत्म हो जाएगा तो उसका बाद में हम एक बहुत बड़ा रैली ब्रिगेड परेड ग्राउंड में करेंगे, जिसमें हम शरद पवार जी, चिदम्बरम जी, दिग्विजय जी, सोनिया जी, हम जैसे हमारा हॉट चीफ मिनिस्टर है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, हम सबको निमंत्रित करके आप लोग को इधर में ले आएंगे, आपको सबको पार्टी को एक साथ में, तो सब लोग मिलके हम लोग जनता का पास हमारा जो कमिटमेंट, वो कमिटमेंट बार बार हम बोलेंगे। आज 3 साल अभी बाकी है, लेकिन 3 साल का बहुत कम, 2.5 साल बाकी है, इतना ज्यादा जल्दी करने से भी नहीं होगा, इलेक्शन का टाइम पे अगर हम जोट बाजे तब भी कुछ नहीं होगा। अभी दिन है जो एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए आइए हम जोट बदे, हम गठबंधन तैयार करें और आगे बढ़े और इंडिया को पथ दिखाए, रोशनी दिखाओ, इंडिया को रोशनी दिखाना आज जरूरी है, अगर जनता को अब सेफ रहने चाहते हैं तो। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। ममता दिल्ली में है तो बंगाल मॉडल की बात हो रही है, विपक्ष को बंगाल मॉडल में उम्मीद नजर आ रही है, 2024 में बीजेपी को रोकने की उम्मीद। तो क्या जैसे ममता ने बंगाल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को रोककर बीजेपी को हरा दिया, क्या यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो सकता है? 2024 से पहले विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। अगर डिस्कशन नहीं होता तो कहां पे चर्चा होगा? बीते 48 घंटे में ममता बनर्जी आज दूसरी बार मीडिया के सामने आई, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मीटिंग के बाद और आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हुई अहम बैठक के बाद। पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके
कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द यूनिटी ऑफ द अपोजिशन, सो ऑल वी डिस्कस, इट वॉज अ वेरी गुड मीटिंग, पॉजिटिव मीटिंग। आई थिंक द पॉजिटिव रिजल्ट मस्ट कम आउट इन द नेक्स्ट फ्यूचर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा उसे आपको सरल भाषा में समझाते हैं। बड़ी बात नंबर एक, बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना है। बड़ी बात नंबर दो, सोनिया गांधी और राहुल से चर्चा सकारात्मक रही। बड़ी बात नंबर तीन, बंगाल के बाद देश भर की सियासत में खेला होबे शुरू। बड़ी बात नंबर चार, लड़ाई चेहरे की नहीं 2024 में बीजेपी को हराने की है। बड़ी बात नंबर पांच, राज्य और राष्ट्र की राजनीति को अलग अलग देखें। बंगाल की सियासी जीत के बाद विपक्षी नेताओं में ममता का कद और बढ़ गया है। ऐसे में सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात में राहुल की मौजूदगी दूरदर्शी मानी जा रही है। एक कोशिश है राहुल से समन्वय और संवाद बनाने की, क्योंकि वो जानती हैं कि विपक्ष के लिए कांग्रेस जरूरी है और राहुल के बगैर कांग्रेस अधूरी है। ममता बनर्जी के सियासी एक्शन को बारीकी से देखें तो चेहरे के चुनाव पर भले ही चुप्पी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो विपक्ष को एकजुट करने की नई धुरी के रोल में नजर आ रही। इसे आप ममता के सियासी दाव से समझ सकते हैं। ममता बनर्जी की सोनिया राहुल से मीटिंग, देश में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी। ममता बनर्जी की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, केजरीवाल उत्तर भारत में सियासत का बड़ा चेहरा। ममता की लाइन एकदम क्लियर है, जब तक विपक्ष एक साथ बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन नहीं बनाएगा बीजेपी को रोकना मुश्किल है। ममता के इस प्लान में कुछ चुनौतियां हैं और उन्हीं चुनौतियों को ममता दूर करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मंथन कर रही है। चुनौती नंबर एक, पंजाब दिल्ली में कांग्रेस और आप सियासी दुश्मन है, दोनों पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लाना। चुनौती नंबर दो, बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस की विरोधी पार्टी है टीएमसी, बीजेपी को हराने के लिए तीनों पार्टियों को एकजुट करना। चुनौती नंबर तीन, बीजेडी वाईएसआर कांग्रेस और एआईएडीएमके विपक्ष के साथ नहीं, क्षेत्रीय क्षत्रपों को मोदी विरोधी गुट में शामिल करना। चुनौती नंबर चार, 2024 में ऑल बना मोदी, सभी पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर देश में एक करना। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की झलकियां आपने देख ली। ममता और उनकी पार्टी का प्लान 2024 क्या है, विपक्ष को एकजुट करने की नई धुरी बनी ममता बनर्जी, आगे क्या करेंगे? 2024 में मोदी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट करने के लिए ममता का प्लान तैयार है। दिल्ली में ममता अपने सांसदों से मिली, नेताओं से मिली तो मीडिया से भी बातचीत की। मेरा उनसे सीधा सवाल था, बंगाल को अपनी बेटी पसंद है ये वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर बंगाल चुनाव के दरमियान लगे हुए थे, उसका फायदा भी आपको मिला और प्रचंड जीत हासिल हुई। लेकिन बात जब नरेंद्र मोदी की हो तो आपके ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी चुनाव के दौरान माना था कि नरेंद्र मोदी देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। ऐसे में अगर 2024 में उनको हराने की बारी आई तो आखिर किसमें उतनी ताकत है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, विपक्ष का चेहरा बन पाए? इसका जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने अपने ही अंदाज में कहा कि मोदी को, बीजेपी को जनता हराएगी। उनका यह भी कहना था कि समय आने दीजिए, चेहरा भी मिल जाएगा। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, ममता बनर्जी इसके आगे कहती हैं कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आपने तो अन्नप्राशन की तारीख ही मुझसे पूछ ली। ममता ने साफ कर दिया कि चेहरा अहम नहीं, मिशन है 2024 में बीजेपी को रोकना। मोदी को चुनौती देने के लिए ममता काशी तक जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, वाराणसी क्यों नहीं जाएंगी, वाराणसी तो उनको बहुत पसंद है, वहाँ के लजीज खाने पसंद है, वहाँ गंगा का घाट पसंद है, मंदिर पसंद है और भी बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही गई। कुल मिलाकर यूपी चुनाव के दरमियान अगर बनारस से ममता बनर्जी को अगुवाई करनी पड़े बीजेपी को हराने के लिए, तो इसके लिए भी वो पूरी तरह से तैयार दिखी। 2024 से पहले बीजेपी का बड़ा इम्तिहान 2022 में यूपी के चुनाव में होगा। ममता बनर्जी की नजर यूपी चुनाव पर भी है और वो समाजवादी पार्टी के प्रचार में अपना दम दिखा सकती है, यानी राष्ट्रीय प्लान पर ममता का एक्शन भी आपको नजर आएगा। टीएमसी नेता मोदी के खिलाफ देश में सबसे बड़ा चेहरा ममता को बता रहे हैं। पीपल्स ऑफ द कंट्री इज हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑन ममता बंदोपाध्याय।
that because of his fighting character, uncompromised attitude and last election, Narendra Modi has got his best lesson of his political career in 2021 when he has been defeated by Mamata Bandyopadhyay. This is ready to take on. Therefore, Mamata Bandyopadhyay is a natural thing that the Mamata Bandyopadhyay would come as a leader of the country. आपकी अनुमति से मैं आज की सिफारिश संशोधित कार्य संचालन. जिस नारे से ममता ने बंगाल में बीजेपी के साथ खेला कर दिया वही नारे. ममता बनर्जी के एक्शन की बात हुई, अब आपको राहुल गांधी के सियासी कद की व्याख्या करती तस्वीरों की चर्चा करेंगे. विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठाने वालों को आज राहुल ने अपनी तस्वीरों से जवाब दिया. वो विरोध कर सकते हैं लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है. जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है. संसद से सड़क तक कथित जासूसी कांड में सरकार और विपक्ष में आर पार की जंग का ऐलान हो गया. इस जंग में सबसे बड़ी खबर यही है कि कथित जासूसी कांड पर मोदी सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष एक पेज पर है और उनके नेता राहुल गांधी हैं. आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है. अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग, प्लीज आप कहिए. नहीं, जो आपने बात कही है, नहीं, दो तीन लोग बोलिए, हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही. आज राहुल गांधी ने विपक्ष की आवाज दबाने वाली हथियार की बात की और जासूसी कांड को देशद्रोह के तराजू पर तौला. जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है. ये प्राइवेसी का मामला नहीं. एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है. हमारे लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है. आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. लोगों ने आपके कुछ सांसदों को चुना है और भेजा है. उन इलाकों के लोगों का जीवन भी महत्वपूर्ण है. राहुल ने मोदी सरकार को संदेश दे दिया. संदेश यही कि पूरा विपक्ष अब एकजुट है. कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है. बस फिर क्या था, सियासी टक्कर शुरू हो गई. फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है. मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया. आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं. हम जाके हथियार निकाले? कोई हथियार नहीं है. जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना. मॉनसून सत्र में कथित जासूसी कांड ने विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का बड़ा मौका दे दिया है. आज राहुल गांधी जिस अंदाज में दिखे और जिस अंदाज में सरकार पर हमला बोला उससे साफ है कि कांग्रेस अब पीछे हटने वाली नहीं है. इस मॉनसून सत्र में लगातार सरकार के लिए विपक्ष मुसीबत बन के बरस रही है. और आप पीछे देखिए, विजय चौक पे जो लामबंदी है विपक्षी दलों की वो आपको नजर आएगी. राहुल गांधी के एक्शन का असर दिखा. मोदी सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है. अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा. आखिर कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कुछ और दल प्रश्न पूछने से क्यों भाग रहे हैं? राहुल गांधी आगे हैं तो उनके पीछे विपक्ष एक सुर में एक साथ खड़ा है. 14 पार्टियों ने बंद कमरे में बैठक की और बाहर निकलकर एकजुटता का संदेश दिया. विपक्ष ने दम दिखाया तो सरकार की रणनीतियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल जैसे सीनियर मंत्रियों के साथ चर्चा की. पेगासस क्या है, किस किस का नाम आ रहा है? ये हमारा अश्विनी जी वैष्णव तो मंत्री बनने से पहले वो एक एमपी थे, हमारा पार्टी के थे, एकदम जेंटलमैन टू द कोर, उनका नाम आया. इसमें कुछ तथ्य है क्या? विपक्षी एकता के पीछे मंशा साफ है कि मोदी सरकार को घेरना और इस घेरेबंदी के तार 2024 से जुड़े हैं. विपक्ष की सियासी गणित को भी समझिए. देश में 375 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मुकाबले में है.
ऐसी 375 सीटों में 200 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर है। 200 सीटों पर अगर विपक्ष कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं 175 सीटों में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने वाली क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करे, अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस 125 से 150 सीट तक जीत सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 2024 में बीजेपी को रोका जा सकता है। सवाल यही है कि क्या जैसी एकजुटता अभी नजर आ रही है वैसी ही एकजुटता मोदी बनाम ऑल की लड़ाई में भी दिखेगी। मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। पर अब आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी चुनाव के लिए जोर लगा के हैशा हो रहा है। जी हाँ, यूपी चुनाव में दोबारा सत्ता पाने के लिए बीजेपी चुनावी महामंथन में जुट गई है। बीजेपी आला कमान की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के बीजेपी सांसदों की मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में यूपी में चुनाव कैसे जीतना है, पब्लिक का मूड क्या है, कैसे विपक्ष को जवाब देना है, तमाम पॉइंट्स पर बातचीत हो रही है। 2 दिन तक ये मीटिंग चलेगी। यूपी के लिए सबसे बड़ी तैयारी शुरू हो गई। यूपी चुनाव के लिए महामंथन पर जुट गई बीजेपी। लखनऊ से दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकों का दौर। अब की बार यूपी में चुनावी घमासान जबरदस्त होने वाला है। यूपी चुनाव के लिए फिर दिल्ली आए योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में सीएम योगी और यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जोर लगा के हैशा। 2022 के यूपी चुनाव में इस बार जंग जबरदस्त है, ये बीजेपी भी समझ रही है, क्योंकि इस दफा बीजेपी को कई मोर्चों से चुनौती है। सबसे पहले मोर्चे पर किसान खड़े हैं और राकेश टिकैत बीजेपी और योगी सरकार को घेरने का मास्टर प्लान बता चुके हैं। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी, आज चारों तरफ से घेर घार के बैठेंगे। वो टाइम भी आओगा जब इसको भी घेरेंगे। देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा, जो स्टेट की राजधानियां हैं, धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट वहां पे भी करने पड़ेंगे। वे आज हो 2 साल में कभी भी हो तो बात तो करनी पड़े। ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन रोक रखी, नहीं तो भीड़ तो यहाँ की भी बहुत बढ़ जाती। अभी भी जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। 5 सितंबर से मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी और उसके बाद में पूरे जिले वाइज, मंडल वाइज, गांव वाइज जो पॉलिसी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जनता खुश होगी, इनको वोट दे देगी, नाराज होगी नहीं देने की, हमें क्या पता कौन किसको वोट देगा। योगी जी फ्री घूम रहे हैं, अभी 1 रुपया नहीं बढ़ाया, लपेटे में तो अभी के जाओगे। ये इनसे दोनों से कमजोर है क्या योगी जी? दूसरे मोर्चे पर विपक्ष खड़ा है, क्योंकि अखिलेश यादव, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन करीब करीब पक्का हो चुका है। तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस को यूपी में मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी भी खास रणनीति बना रही हैं। इतना ही नहीं, एक मोर्चे पर छोटे दल भी हैं, जिसमें ओवैसी की पार्टी EIMIM, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर से गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी इसे A to Z गठबंधन का नाम दे रहे हैं। ऐसे में चुनौती बीजेपी के लिए है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए है। अब यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी को खास रणनीति बनानी पड़ रही है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी के बीजेपी सांसदों की भी 2 दिन की मीटिंग फिक्स हुई। मीटिंग के पहले दिन पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र के सांसदों को बुलाया गया। इस मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के MP शामिल हुए, जबकि गुरुवार यानी 29 जुलाई को काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, पार्टी के उपाध्यक्ष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और इसीलिए बीजेपी में अब बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि संगठन को जमीनी स्तर पर यूपी में और ज्यादा मजबूत किया जाए और साथ ही साथ सांसदों विधायकों की नाराजगी को भी जल्द से जल्द दूर किया जाए, जिससे पार्टी एक सुर में एक साथ नजर आए, क्योंकि छोटी सी कमी भी पार्टी को बड़ा नुकसान चुनाव में पहुंचा सकती है। यूपी के मास्टर प्लान के लिए योगी दिल्ली आए तो अखिलेश यादव ने फौरन बीजेपी सांसदों की इस बैठक को लेकर तंज मार दिया।
बीजेपी आज अपने उत्तर प्रदेश के सांसदों से यूपी की दुर्दशा और दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। बीजेपी चाहे कितनी भी बैठकें कर ले, पर अब जनता इन्हें उठाकर और हटाकर ही दम लेगी। आकलन बाद में और तारीफ पहले। वाह रे वाह। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता को सजा मिली है, चाहे कोविड काल में लोगों की मौतें हुई हो, चाहे किसान धरने पे बैठा हो, चाहे यहाँ पे महिलाओं के साथ छीरहरण हुआ हो, चाहे यहाँ बेरोजगारी से और महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में एक तरह से जंगल राज चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कभी सांसदों की मीटिंग, कभी MLA की मीटिंग, कभी संघ की, कभी संगठन की, सिर्फ चुनाव की चर्चा के लिए क्यों करती है? क्या कभी इन्होंने कोरोना काल की विफलताओं के लिए की? क्या बेरोजगारी की समस्या के लिए उन्होंने कभी कोई मीटिंग की? हम आपको बता दें कि इस वक्त संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सांसदों की सुविधा के लिए दिल्ली में ही बैठक बुला ली गई है। एक एक कर सभी सांसद अपनी राय रख रहे हैं। यूपी चुनाव में क्या करना चाहिए, सब अपने अपने इलाकों की रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि यूपी में आखिर पब्लिक का मूड क्या है। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही वाराणसी दौरे पर योगी सरकार की मन भरकर तारीफ कर चुके हैं। यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है, यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। इसके अलावा मोदी कैबिनेट में फेरबदल के दौरान भी यूपी का इफेक्ट दिखा। मोदी कैबिनेट में यूपी से 7 नए चेहरों को जगह दी गई, जिसमें अनुप्रिया पटेल से लेकर पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा, BM वर्मा, कौशल किशोर, SP सिंह बघेल और अजय मिश्रा को शामिल किया गया। मंत्री जी का स्वागत करेंगे। बीजेपी योगी के साथ मिलकर 2022 के यूपी चुनाव की फील्डिंग सेट कर रही है। वो जानती है कि 14 सालों के वनवास के बाद 2017 में यूपी की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई थी। तब अखिलेश सरकार के खिलाफ लोगों ने बीजेपी की झोली भर दी थी। श्मशान और कब्रिस्तान जैसे मुद्दों पर लड़े गए चुनाव में बीजेपी 300 पार कर गई थी। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बार मामला सत्ता में बने रहने का है। विपक्ष कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की परेशानी को मुद्दा बनाने में जुटा है, लेकिन बीजेपी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में है कि बड़ी आबादी के बावजूद कोरोना पर कंट्रोल करने में राज्य सरकार कामयाब रही। खुद CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर का दौरा किया। धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा है, जबकि विपक्ष किसान आंदोलन और बेरोजगारी के बहाने योगी सरकार को घेरने की तैयारी में है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कई दिनों से बीजेपी सक्रिय है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। रणनीति भी साफ दिख रही है, लेकिन मंथन हर स्तर पर हो रहा है, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, जहां तमाम सांसदों के साथ। आखिर उनके जो संसदीय क्षेत्र हैं, वहां के कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, कैसे उसका फायदा लिया जा सकता है यूपी के चुनाव में, तभी योगी आदित्यनाथ का इस मीटिंग में पहुंचना बड़े मायने रखता है। बहरहाल, अगली खबर का रुख करते हैं। कोविड की दूसरी लहर ने किस कदर तबाही मचाई थी, वो किसी से छिपा नहीं। बावजूद इसके लापरवाहियों के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहे। केरल में कोविड के 22,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। यह आंकड़ा देश के कुल संक्रमितों का 50% है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बीजेपी ने केरल में बकरीद पर लोगों को छूट न दी होती तो कोरोना का संक्रमण इस कदर न बढ़ता। क्या बकरीद में मिली छूट ने केरल में कोविड को फिर से बेलगाम किया? क्या बकरीद में हुई लापरवाही से केरल में कोविड के केस बढ़े? क्या बकरीद में लोगों ने केरल में कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई, जिसकी वजह से कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पूरे देश में कोरोना के नए संक्रमित 43,654 केस मिले हैं। इसमें से 22,129 केस केरल के हैं। यह आंकड़े आधे हैं, मतलब देश में नए संक्रमितों का 50% अकेले केरल में मिला है। आज केरल में इन 22,000 सिंगल डे केस को ऐड करके अगर हम देखें,
इसका योग करके हम देखें तो कुल मिलाकर जो केस संख्या केरल में है वो 33 लाख है, 33 लाख पीपल इन केरला टुडे हैव सफर फ्रॉम कोरोना, इंक्लूडिंग द 22,000 पीपल हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव यस्टरडे। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है क्योंकि बीजेपी के पास मौका है। कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी, मगर बकरीद में केरल की सरकार ने 3 दिन की छूट दे दी थी। अब बीजेपी कह रही है कि ये बढ़े हुए कोविड केस उसी छूट का नतीजा है। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वी डायरेक्ट द केरला गवर्नमेंट टू गिव हीड टू आर्टिकल 21, रीड विथ आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉलो अवर ऑर्डर्स गिवन इन द कांवर यात्रा केस। मसला सिर्फ इतना नहीं है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केरल की सरकार ने जान से खिलवाड़ किया है। के साथ मुझे कहना पड़ रहा है तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी के पास मौका है, लेकिन सच्चाई यही है कि कोरोना को लेकर लापरवाहियों का सिलसिला चल रहा है। लोग अब भी मानने को तैयार नहीं है कि कोविड का खतरा लगातार बना हुआ है। सियासत अपनी जगह है, मगर सच्चाई यही है कि कोविड के नियमों को मानने से ही जिंदगी बचेगी। आज तक ब्यूरो। केरल में एक तरफ ये कोविड की त्रासदी है और इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बादलों की विनाश लीला सामने आई है। किश्तवाड़ और करगिल के बाद शाम को अमरनाथ में भी बादल फटने की घटना सामने आई, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की वजह से गुफा के आसपास बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के कैंप को इससे नुकसान पहुंचा। एसडीआरएफ की 2 टीमें पहले से अमरनाथ में मौजूद है, एक और टीम गांदरबल से रेस्क्यू और राहत बचाव के लिए भेजी गई है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों के लोगों को सिंध नदी से दूर रहने की अपील की है क्योंकि बादल फटने से सिंध नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने के संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। एनडीआरएफ की टीमें भेजी जा रही है। अपनी आगोश में अपार जलराशि समेटे बादल आगे बढ़ नहीं पाए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के खोंजर डड्डन गांव में फट पड़े और इस इलाके में जैसे जल प्रलय आ गया। बादल फटने से तबाही ही तबाही, बादल फटने से मौत का तांडव, एक गांव पर टूट पड़ी आफत। शोर मचाती नदी की ये तेज धार बता रही है कि बादल फटने से इस इलाके में क्या हाल हुआ होगा। आज सुबह करीब 4:30 बजे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के होंजर डच्चन गांव में अचानक बादल फट गए। किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, गांव में आसमानी आफत ने तबाही मचा दी। किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही में 7 लोगों की मौत हो गई, करीब 30 लोग अभी भी लापता है। तबाही में 17 लोग घायल हैं, जिसमें से 6 लोगों को किश्तवाड़ भेजा गया है। बादल फटने से 19 घर जमींदोज हो गए। किश्तवाड़ से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। जम्मू श्रीनगर से एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। केंद्र से एनडीआरएफ और सेना की 2 टुकड़ियां बचाव और राहत के लिए रवाना की गई।